जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट। और कल तक जो चीजें देखी थी उसमें किसी के कोई क्वेश्चन है तो? इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस, कई दफा ये क्वेश्चन पूछ चुका हुआ है केली के, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट। और उसका आंसर यही है जी कि इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी डिस्कशन, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हवाले से और बिहेवियर के हवाले से होती हैं, तो ये जरूरी है अंडरस्टैंड करना कि जी के आपकी नेशन का, आपके कंज्यूमर का, आपके फर्म्स का बिहेवियर कैसे होगा, और आप अपनी इकोनॉमी को, अपनी कंट्री को किस तरह से देख सकते हैं कि वो अच्छी परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। तो ये कुछ इकोनॉमिक स्टडीज और इकोनॉमिक्स अगर हमें पता होगी, कॉन्सेप्ट्स पता होंगे, तो हम अपनी जो सोसाइटी है उस सोसाइटी की वेलफेयर का, उस सोसाइटी के बढ़ने का, फलने फूलने का, उसके अंदर अपनी फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज बढ़ाने का तो बंदोबस्त कर सकेंगे। अगर हमें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होंगे तो हम कोई फॉर्मुलेट वे में कुछ चीजों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। अगर हमें इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट पता है तो हमें पता है कि टैक्स हमने इतना ज्यादा नहीं लगाना कि जिसके ऊपर लोगों को, लोग डिस्करेज हो जाए और प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। अगर हमें इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट पता है तो हम पता है कि देखिए अनएम्प्लॉयमेंट को हमने रिड्यूस करना है, और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करके हम अपनी लोगों की वेलफेयर और उनकी चीजों को बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से हमें पता है कि अपनी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, ये मैयर है एक कि आपकी इकोनॉमी में जीडीपी होता क्या है। मैयर है कि इकोनॉमी में इस साल आपकी कितनी अमाउंट की प्रोडक्शंस हुई हैं। अमाउंट की प्रोडक्शंस अगर बढ़ जाएंगी पिछले साल से तो आपको पता चलेगा कि आपकी इकोनॉमी ने बेहतर किया है, और अगर जीडीपी आपकी पिछले साल से कम हो जाएगी तो आपको पता चलेगा आपकी इकोनॉमी ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की। तो जीडीपी एक मैयर है, इकोनॉमिक्स के अंदर से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, उससे हमें चाहे सारी चीजें पता चलती हैं। इसी तरह से बाकी भी कि अगर हम चीजों को इम्प्रूव करेंगे, बेहतर करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारी नेशन जो सोसाइटी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, और वो जो चीजें हैं जो इम्प्रूव करनी है वो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। इन्फ्लेशन को, टैक्सेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, आपकी जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस को, उनकी डिमांड को, उनकी सप्लाई को, ये सारी चीजें वी डिस्कस्ड इन इकोनॉमिक्स। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड द वेलफेयर ऑफ द नेशंस, वो सोसाइटी की, आपकी वेलफेयर को, बढ़ोतरी को, ग्रोथ को, वेलबींग को, उसकी खुशी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक मैयर का जरिया है, बता सकते। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर आपको ये सारी बातें बतानी है हमसे। ठीक है, लिखा क्या हुआ है जी? चॉइसेस एंड इंपैक्ट ऑफ दी चॉइसेस कंसीडर टू ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ फ्रॉम आवर डिसीजन दैट वी मेक has grown from humble beginning to substantial countries and wider scope, where the economy is today finding ways to reduce unemployment, inflation, improving their understanding of global economic trends and international trade, from gaining knowledge that individual output to stressing on overall economy output. It all comes to the basic question: what is the purpose of economics? According to Samuelson and Norris, the ultimate goal of economic science is to improve the living condition of people in their everyday life. तो हमने ये बात की कि वेलफेयर, ह्यूमन एक्टिविटीज और उनकी खुशी को बढ़ा, तो वो
सेवरल सेंस और नॉर्डर्स ने हमें ये बताया कि जी के इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ पीपल इन देयर एवरीडे लाइफ और वो इस तरह से है कि उन्होंने कहा जी डी पी एक मेजर है हमारे पास विच इवेंचुअली लीड्स टू हाई इनकम विच कैन बी स्पेंड ऑन इम्प्रूविंग फूड चॉइसेस बेटर हाउसिंग एंड अदर This also means better education, healthy drinking, water and quality health care. तो वो जो आपकी living condition वो बेहतर बनाना है GDP एक ऐसा activity है जिससे हमें पता चलता है कि economy में rail build हो रही है या economy में rail build नहीं हो रही अगर rail build हो रही होगी GDP बढ़ रही होगी इसका मतलब है कि education भी बेहतर होगी food की quality अच्छी होगी आपकी शेल्टर की भी अच्छी चीजें होंगी फर्दरमोर गवर्नमेंट कैन बिल्ड स्कूल्स और हाई स्कूल दे बिकम यूजफुल टू सोसाइटी एंड इनकम इंक्रीज फ्रॉम इट ये जो रिसर्च में भी कर सकते हैं बहुत सारे आपको फैक्टर्स इससे बेनिफिट कर सकते हैं फॉर्मिंग सम अदर गोल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स के कुछ मजीद गोल्स हैं जो इसने बताया फिर मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ये बातचीत के अंदाज में हो रही है बात इतना ऐ चीजा ने जड़िया के इकोनॉमिक्स की चाहिए लेकिन जरूरी है इसको अंडरस्टैंड करना कल को जब आपको रिप्रोड्यूस करना है तो उस वक्त किताब नहीं होनी सर नहीं होना आप ही ने रिप्रोड्यूस करना है तो अपने दिमाग में इन चीजों को जरूर महफूज करें ताकि कल अगर कोई क्वेश्चन आता है कोई बात आती है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट आर द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक्स तो आप उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हो ठीक है जी अच्छा जी अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करें एक इकोनॉमिक्स का गोल उन्होंने बताया प्राइस स्टेबल रखें इन्फ्लेशन और फ्लक्चुएशन को अवॉइड करें प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम रिसोर्सेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमीर और गरीब में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो ऐसा ना हो कि नेशनल इनकम जीडीपी जो है उसमें से मेजर पोर्शन अमीर ही ले जाए और गरीबों के पास उस जीडीपी में जो रेल पे हुई है पैसे में इजाफा होगा वो गरीबों तक ना पहुंचे तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होनी चाहिए और इकोनॉमिक फ्रीडम एंड वेलफेयर होनी चाहिए आपकी पॉलिसीज इतनी सख्त ना हो जैसे सोशलिस्ट इकोनॉमी थी के लिए के साथ कुछ गवर्नमेंट ही ऑन करती है आप चाहे सीईओ हैं चाहे पीएम हैं आपकी तनख्वाह एक है तो इकोनॉमिक पॉलिसीज सख्त नहीं होनी चाहिए इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर फ्रीडम होना चाहिए और वेलफेयर क्रिएट करें वो लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन प्रोडक्टिविटी इक्विटेबल और इकोनॉमिक फ्रीडम ये मेजर गोल्स हैं इकोनॉमिक्स के कि आपके लोग अनएम्प्लॉयमेंट ना हो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले लोग अपने काम से इकोनॉमिक एक्टिविटी करें और उससे मुनाफा कमाएं नफा कमाएं इकोनॉमिक एक्टिविटी से अपने अर्निंग कमाएं प्राइसेस स्टेबल हो इन्फ्लेशन ना हो स्टेबिलिटी हो प्रोडक्टिविटी बेहतर हो मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम प्रोडक्शन हासिल कर सके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और इकोनॉमिक फ्रीडम और वेलफेयर की डिस्कशन हो ये है हमारी अदर गोल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन पूछ सकता है पूछा भी है अच्छा जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम हमने पहले भी देख ली हुई है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं अनलिमिटेड वांट्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम की एलोकेशन ऑफ स्केल रिसोर्स टू सेटिस्फाई पोटेंशियली अनलिमिटेड नीड्स हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स अब जो हमने रिसोर्स कहा है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स इन सच ए वे दैट इट इज फेयर एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्स How do we ensure that incentive not to promote desirable behavior? How do we manage our skills resource in sustainable ways? So, questions then. These questions need to be answered. Economic problem, basic economic problem kya hai? Resources are limited and needs are unlimited. Ye basic economic problem hai.
इस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के की मजीद शाखें निकली कि जनाब इसमें फिर आपको देखना पड़ेगा जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को फेयर एंड इक्विटेबल। हवा एक रिसोर्स है, क्या सिर्फ अमीरों को हवा का इस्तेमाल ऑक्सीजन हासिल करने का इस्तेमाल का हक होना चाहिए या गरीबों को भी? तो इक्विटेबल का मतलब क्या है? इंसाफ के साथ हर शख्स को उसका हिस्सा जरूर मिले, किसी के साथ साथ बेइंसाफी ना हो, फेयर हो, कोई डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिवीजन के अंदर बेतरतीबी बेइंसाफी नजर ना आए, ये कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस कम है तो हम ऐसा ना करें कि हवा सिर्फ नमसाना वो अमीर लोगों को अवेलेबल हो, गरीबों को ना, ऑक्सीजन सिर्फ उनको, पानी सिर्फ अच्छा साफ पानी अमीरों को अवेलेबल हो, साफ पानी पीने का गरीबों को अवेलेबल ना हो, ये आइडियल या डिजायरेबल थिंग नहीं है। फिर इस तरह से रिसोर्स को इंसेंटिव को इंश्योर दैट इंसेंटिव प्रमोट डिजायरेबल बिहेवियर्स और फिर स्केयर्स रिसोर्स इन सस्टेनेबल वे। ऐसा भी नहीं कि पानी आज इस्तेमाल कर लें सबके साथ तो कल जो अगली नस्ल आए उसको पानी अवेलेबल ना, आज हम जाया कर दें उसको सेव ना कर सकें, उनके लिए हम पानी के रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज को मेंटेन ना कर सकें तो कल को उनके लिए जितनी आबादी बढ़ी है उसकी जरूरत के मुताबिक पूरी ना हो सके। फिर ये जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम डिस्कस करते कर चुके हैं वो इकोनॉमिक स्टडीज हमने ये भी देख लिया हुआ है कि नेचुरल साइंस के अंदर तो आपके पास अवेलेबल होती है जो आप चीज डिस्कस करते हैं, जो आप थ्योरी बनाते हैं उस थ्योरी को यू विल बी एबल टू डिस्कस और आप उसको मैं कोई लेबॉरेटरी अवेलेबल होती है उस लेबॉरेटरी के अंदर आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। केमिकल रिएक्शन आपने कहा कि ये दो केमिकल मिलाएंगे तो तीसरा केमिकल ये बनेगा, आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं लेबॉरेटरी के अंदर। इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को आपकी अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई लेबॉरेटरी अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से लेबॉरेटरी के अवेलेबल ना होने की वजह से हम इसको थ्योरी में तो चेक कर देते हैं लेकिन इसकी प्रैक्टिस प्रैक्टिकल कंडीशन हम डिवाइज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि अगर हम प्राइसेस को अपने रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम अपनी डिमांड को रिड्यूस करें, डिमांड को रिड्यूस करने का क्या तरीका हो सकता है तो हम तरीका उसका बताएं किस तरह डिमांड को रिड्यूस करने का ये तरीका हो सकता है। तो इकोनॉमिस्ट ने जब वो बातें बताई तो थ्योरी में तो आपको समझ आ जाएगी लेकिन आप कहें सर मुझे ये प्रैक्टिस में भी तो करके दिखाएं, कहां पे मैं इसको चेक कर सकता हूं कि आपने कहा कि प्राइसेस जब मैं डिमांड को रिड्यूस करूंगा तो उससे प्राइसेस रिड्यूस होंगी, हाउ आई कैन चेक इट? तो मुझे तरीका बताए ना, कोई मुझे प्रैक्टिस का कोई तरीका भी बताए ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि जो आप बात कह रहे हैं इस बात से तो एक्चुअली हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके यही रिजल्ट्स हैं जो कि हमने थ्योरी में देखे हैं। प्राइस रिड्यूस करने के लिए डिमांड को रिड्यूस करो, अच्छा नहीं सही, लेकिन वो आपने ये तो कह दिया लेकिन कैसे करें? ये जो हमने डिमांड एंड सप्लाई की बातें की थी अगर हम कह दिए दिस इज द प्राइस, हमने कहा डिमांड को रिड्यूस कर दो तो आपकी प्राइस रिड्यूस हो जाएगी। अब इसको कैसे करें, डिमांड को रिड्यूस कैसे करें, कहां पे कितना रिड्यूस करें, क्या किया जाए, कैसे किया जाए बताइए। कोई कितना रिडक्शन से 2% रिडक्शन से डिमांड में 2% रिडक्शन से प्राइस में 2% फर्क आएगा, कोई चेक करने का तरीका कोई है?
क्या ख्याल है, चेक करने का तरीका है, कोई लेबोरेटरी है जहां पे हम चेक कर सकते हैं? चेक करने का तरीका नहीं है, कोई लेबोरेटरी टाइप की चीज नहीं है। ये जो हमने बात कही, इस बात को सिर्फ हम थ्योरेटिकली कह सकते हैं कि ना इक्विलिब्रियम प्राइस विल शिफ्ट डाउन, लेकिन क्या पता इक्विलिब्रियम प्राइस शिफ्ट डाउन ना हो, इक्विलिब्रियम में कोई और चीज आ जाए, कोई फर्क आ जाए। इसके अंदर कितनी ज्यादा फैक्टर्स वेरिएबल्स अवेलेबल है, टोपोग्राफी, यहां पे वो वर्ड यूज कर रहे हैं, टोपोग्राफी कि आपका जो नक्शा है, जो इकोनॉमिक्स की एक्टिविटीज का नक्शा है, जो जो उसके वेरिएबल्स है, वो इमेंसली कॉम्प्लेक्स है। उस नक्शे के अंदर चीजें काफी सारी मौजूद है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, वहां पे पहाड़ होंगे, जमीन होगी, दरिया होगा, समुद्र होगा, वादी होगी, उसकी मामलात काफी डिफरेंट है। अगर आप समुद्र है तो उसके लिए माहौल और है, अगर वहां पे दरिया है उसके लिए माहौल और है, जमीन है उसके लिए माहौल और है। तो हमें टोपोग्राफी नक्शा, जो इकोनॉमिक्स की एक्टिविटी का नक्शा है, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम उसको आइसोलेट करके अपनी एक्टिविटीज को कि ना नहीं 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 सर आप बाकी इसको आइसोलेट कर लेना, ये जो डिमांड हम बात कर रहे हैं ये डिमांड है पंखे फैन और ये प्राइस फैन, पंखे की डिमांड, पंखे की प्राइस, उसकी बात कर रहे हैं, आइसोलेट कर ले। नहीं यार चलो आइसोलेट भी कर लो, लेकिन क्या पंखा अपने तौर पे काम करता है? अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो आप चाहे डिमांड काम भी करेंगे, अगर इन्फ्लेशन हाई है तो हो सकता है कि आपकी प्राइसेस फिर भी इंक्रीज हो जाए। आपने डिमांड काम की, हो सकता है प्राइसेस फिर भी इंक्रीज हो जाए पंखे की, क्योंकि पंखे की प्राइसेस के ऊपर सिर्फ डिमांड की वजह से फर्क नहीं आ रहा, ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर भी तो देखिए इन्फ्लेशन चल रही है इकोनॉमी के अंदर, उसके उसका जो अपना कॉस्ट है पंखा बनाने की, प्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, वो भी तो चेंज हो रही है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वेरिएबल फैक्टर्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हम आइसोलेट करके चीजों को टेस्ट नहीं कर पाते। इकोनॉमिस्ट का सबसे बड़ा मसला कि प्रैक्टिकली जो अपने थ्योरीज हैं उनको टेस्ट नहीं कर पाते, ये इकोनॉमिस्ट का मसला है। साइंटिस्ट का उन्होंने बताया एक्सपेरिमेंटली, फॉर एग्जाम्पल ए फूड बायोलॉजिस्ट माइट बी इंटरेस्टेड हाउ न्यू फर्टिलाइजर इंप्रूव क्रॉप यील्ड, वो एक्सपेरिमेंट करेगा, दो प्लांट पकड़ेगा, एक के ऊपर वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेगा, दूसरे पे नहीं करेगा, सेम कंडीशन में रख के, और फिर उन दोनों की ग्रोथ को देखेगा, वो कहेगा नहीं दोनों को सेम कंडीशन में रखा था, फर्क सिर्फ और सिर्फ ये फर्टिलाइजर का था, और फर्टिलाइजर जिसको मैंने दिया था वो बेहतर परवरिश की, और जिसको फर्टिलाइजर नहीं दिया था उसने बेहतर परवरिश नहीं की, तो वो गैप कितने परसेंट फर्क पड़ेगा वो अपने तजर्बा से लेबोरेटरी में करके देख सकते हैं। इकोनॉमिस्ट के पास ये नहीं, एज एन ऑल्टरनेटिव हम क्या करते हैं, हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं, और मॉडल्स क्रिएट करके उसके अंदर सोचते हैं कि अच्छा यार इस तरह हो तो कैसे होगा, इस तरह हो तो कैसे होगा, फिर उनसे थ्योरीज डेवलप कर देते हैं। क्लियर है? कौन मार्केट के अंदर बात करेगा, ही विल बी लुकिंग टू टेस्ट ओनली सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ दैट मार्केट, जस्ट एज साइंटिस्ट ट्राइज टू एलिमिनेट अदर इन्फ्लुएंसेस, द इकोनॉमिस्ट डज दिस बाय अज्यूमिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द मॉडल विल रिमेन कांस्टेंट, व्हाइल दिस इज एविडेंटली नॉट नेसेसरली ए फुली एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन मार्केट, इट अलाउज द इकोनॉमिस्ट टू टेस्ट व्हाट माइट हैपन इफ द कंडीशन चेंज। हमने जैसे यहां पे कहा था If other things remain the same, inflation rate उसी तरह की आपकी supply
उसी तरह की इसी तरह हमने उसको कांस्टेंट अज्यूम किया, प्रैक्टिकली हम करके देख नहीं सकते थे, मॉडल क्रिएट किया उसमें कांस्टेंट अज्यूम किया और उसके ऊपर डिस्कशन कर दी। सिंप्लीफाइड मैप्स सिर्फ दो फॉर्म में डिस्कस किया, दिस मैप विल बी डिफरेंट फॉर ईच इकोनॉमिक, हर बंदा अपने हिसाब से उसकी इम्प्लीकेशन उसकी इंटरप्रिटेशन करेगा और इसी वजह से इकोनॉमिस्ट आपस में लड़ते भरते रहते हैं, किसी का नजरिया किसी के साथ नहीं मिलता किसी का नजरिया तो, लेकिन ओवरऑल ब्रॉड उस चीजों के ऊपर एग्री करते हैं बाकी के, ठीक है जी। इस तरह से इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है, हमें सबसे बड़ा इश्यू उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने का जरूरत है। और हमने ये बात की थी कि अगर हम थ्योरेटिकली देखें बाय कॉन्सेप्ट मेथोडोलॉजी देखें तो ये साइंस कितना बिहेव करती है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिस में देखते हैं इसकी एप्लीकेशन देखते हैं तो हमें एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन नजर आती है, तो वहां पे आर्ट्स की तरह बिहेव करती है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स को क्या किया, दो हिस्सों में तकसीम किया, क्यों किया दो हिस्सों में तकसीम, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को दो हिस्सों में तकसीम किया, क्यों किया, सिंपल है कि साहब हमने तो स्टडी करना है ह्यूमन बिहेवियर, इकोनॉमिक के प्रॉब्लम्स के अंदर ह्यूमन बिहेवियर कैसे होता है उसको स्टडी करना। जब उनको स्टडी किया तो पता चला कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि छोटे लेवल के ऊपर हम कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स की देखते हैं। आज हम सुबह आप उठे, मुंह धोया, नमाज पढ़ी, वुजू किया, नमाज पढ़ी और आपने स्टडीज के लिए कुछ अपनी तैयारी की और क्लास में स्टडी के लिए आपको इस काम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी, आपको शायद लैपटॉप चाहिए था, आपको अगर बाइक चाहिए थी आपको बाइक चाहिए थी, आपको कुछ और एक्टिविटीज नेटवर्क कनेक्शन चाहिए था तो आपने वो सारी चीजें आपने अपने लिए कंप्लीट की पूरी की, उनको मामला को आपने देखा और फिर आप अपनी एक्टिविटी गुजार सके, ऐसे ही है ना। तो ये एक इंडिविजुअल की बात की हमने कि जी मुझे, मैं अगर अपनी बात करूं जाहिर जी मुझे कार चाहिए थी, मैंने दफ्तर जाना था, फिर मुझे अफ्रीका क्लास के लिए आना था, फिर मुझे वुजू करना था, नमाज पढ़नी थी, नाश्ता चाहिए था, फिर मुझे कपड़े चाहिए थे, फिर मुझे यहाँ पे आना था, तो ये एक्टिविटीज मैंने अपनी की। और अगर हम इसको कंबाइन देखें कि आज पूरी फैमिली ने क्या किया, पूरी फैमिली को क्या क्या चाहिए था, घर में बिजली का कनेक्शन चाहिए था, कोई हीटर चाहिए था, कोई गैस चाहिए थी, बाकी कोई काम जो होने थे ऑफिस के दफ्तर के घर के वो काम कंप्लीट करने, वो एज ए होल यूनिट चाहिए, जाहिद को अकेले को नहीं चाहिए, गैस का कनेक्शन जाहिद अकेले को नहीं चाहिए, लेकिन गैस का कनेक्शन उस हाउस होल्ड को उस घर को सबके लिए चाहिए, बिजली का कनेक्शन जाहिद अकेले को नहीं चाहिए, बिजली के जाहिद अकेले को बिजली जरूरत होगी जब उसने टीवी लगाना होगा, अपना लैपटॉप लगाना होगा, अपनी बाकी एक्टिविटीज करनी होगी, बिजली से रिलेटेड कपड़े इस्त्री करने होंगे तब वो बिजली चाहिए होगी, लेकिन एज ए होल सारे घर को अगर बिजली चाहिए तो सारे घर को उस बल्ब से रोशनी मिल रही है, पंखों से हवा मिल रही है, वो सबके लिए यूटिलाइज हो रहे हैं। तो अगर मैं स्टडी करूं सिर्फ एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की तो मुझे सिर्फ जाहिर के मसाइल या जो भी आप लोग हैं उनके मसाइल को देखना पड़ेगा तो हम इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर पाएंगे। और अगर मुझे पूरे हाउसहोल्ड का बिहेवियर देखना हो तो मुझे सब लोगों के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड है कंबाइंड
उनको देखना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। अब इलेक्ट्रिसिटी पूरे हाउसहोल्ड की जरूरत है, आपकी इनकम पूरे हाउसहोल्ड की जरूरत होगी, आपके जो एक्टिविटीज हैं जो सबको इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरे हाउसहोल्ड की जरूरत है। तो अब हाउसहोल्ड की जरूरत को स्टडी करेंगे जब, तो वो फिर डिफरेंट आपके सेट ऑफ पर्सन्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होंगी। और जब इंडिविजुअल की जरूरत को चेक की टेस्ट करेंगे देखेंगे, तो उस वक्त उसकी डिफरेंट बिहेवियर होगा, डिफरेंट रिक्वायरमेंट होगी, ऐसे ही है। तो इकोनॉमिस्ट भाइयों ने यही देखा, उन्होंने क्या कहा, ये जो हम अगर हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करेंगे ना एज ए होल, तो हम फिर इंडिविजुअल को मिस कर देंगे। और अगर इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करेंगे इंडिविजुअल के व्यू पॉइंट से, इंडिविजुअल के एलिमेंट के ऊपर, तो फिर हम एज ए होल को मिस कर देंगे। इसी वजह से उन्होंने डिवाइड किया, उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स के बिहेवियर को दो हिस्सों में डिवाइड करें, एक तो कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक तो कहा मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा स्मॉल पार्ट, और मैक्रो का मतलब होता है एग्रीगेट, बड़ा एग्रीगेट पार्ट, ठीक है जी। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कंज्यूमर का बिहेवियर, एक मार्केट का बिहेवियर, एक प्रोडक्ट का बिहेवियर, एक फर्म का बिहेवियर, उनकी डिस्कशन हो रही है कि लाभ एक कंज्यूमर लाभ डिमिनिशिंग मार्जिन ट्रीटी, हमने पढ़ा कि कंज्यूमर को आइसक्रीम देंगे, एक आइसक्रीम खाएगा तो खुश होगा, दूसरी आइसक्रीम का थोड़ा सा खुश, तीसरी आइसक्रीम का काम, फिर चौथी आइसक्रीम के पान, पांचवीं छठी सातवीं, हमने एग्जाम्पल्स के साथ उसको डिस्कस किया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक कंज्यूमर की बात, एक मार्केट की बात की, हमने कहा कि फैंस की मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्राइसिंग भी फैन की डिमांड, फैन की मार्केट, उसके हवाले से डिस्कशन की। ये अब तक जो हमने टॉपिक्स कवर किए हुए वो सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हैं, हमने मैक्रो को भी नहीं छेड़ा, ठीक है। और माइक्रो में सब समझ आ गई, चले जी ठीक है, एक इकोनॉमी, एक मार्केट की बात की आपने, एक प्रोडक्ट की बात की, एक कंज्यूमर की बात की आपने, माइक्रो लेवल छोटे लेवल की बात की। मैक्रो में क्या करते हैं सर, मैक्रो में हमारी डिस्कशन इन जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं इन सबको कंबाइन कर देते हैं, और फिर कंबाइन के लिए जो चीजें चाहिए होती है उनकी डिस्कशन होती है, एग्रीगेट की डिस्कशन होती है, एग्रीगेट मिलजुल के जो चीजें चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो फैन इंडस्ट्री को भी चाहिए, वो फर्नीचर इंडस्ट्री को भी चाहिए, सीमेंट इंडस्ट्री को भी चाहिए, एग्रीकल्चर को भी चाहिए, हर किसी को इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब करती है। आपकी प्राइसेस जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज कर रहा है, इन्फ्लेशन का इंपैक्ट है, वो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट फैन इंडस्ट्री पे भी आएगा, आपकी एग्रीकल्चर पे भी आएगा, फर्नीचर पे भी आएगा, सीमेंट पे भी आएगा, टेक्सटाइल पे भी आएगा, हर किसी को वो असरअंदाज करेगा। जिस तरह हमने घर की एग्जांपल देखी, अगर घर के अंदर लाइट बंद हो जाए तो वो इंडिविजुअल ए बी सी डी जितने भी इंडिविजुअल उस घर में रह रहे हैं उन सभी के ऊपर वो असरअंदाज होगा, उन सब की रूटीन डिस्टर्ब होगी। अगर गैस खत्म हो जाए, गैस का कनेक्शन कट जाए, गैस ना आ रही हो, तो वो सभी के ऊपर असरअंदाज होगा, रूटीन ही बनी थी आज, वो इंडिविजुअल ए था, बी था, सी था, डी था, सबके ऊपर असरअंदाज होगा। इसी तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो चीजें देखते हैं जो कि तमाम इकोनॉमी के ऊपर असरदार होती है। अनएम्प्लॉयमेंट, लोग नौकरी पे हैं या नहीं है, जितने ज्यादा लोग
नौकरी में नहीं होंगे उतना ही हर किसी के ऊपर, हर इंडस्ट्री के ऊपर, हर एजेंट ऑफ इकोनॉमी को उसका असर जरूर जा रहा होगा। तो यहां पे हम एग्रीगेट देखते हैं तमाम लोगों को, तमाम इंडस्ट्रीज को, वो वाले फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स का तमाम के ऊपर असर होता है, उनकी डिस्कशन, उनके मामला को हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। क्लियर है? तो मुश्किल तो नहीं? अच्छा जी, स्टडी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर ब्रांचेस, नेमली माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो मींस मिलियंस। When we say using micro approach in relation to economy, it means it must be some small part or component of the whole economy. According to Stiglitz and Walsh, the detailed study of the decision of the firm and household and the prices and production in specific industry is called microeconomics. Microeconomics involves studying the behavior of units of the economy, such as individual, firm, household. It deals with how these units economy make decision and what impacts these decisions. For instance, microeconomy discusses output of individual industries, types of goods and services produced, includes the detail of thousands of different products that an economy produces, that many factors that differentiate one versus from the other. On the other hand, macroeconomics deals with the economic system as a whole. It is like studying the forest, and the microeconomics makes the study of the trees. अब वो हमने इंडिविजुअल की और पूरी फैमिली की, तो जब फॉरेस्ट की स्टडी करनी है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी, एक दरख्त की स्टडी करनी है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द एग्रीगेट एंड एवरेजेस ऑफ द एंटायर इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल टोटल आउटपुट, नेशनल इनकम, एग्रीगेट कंजम्पशन एंड द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफाइंड बाय स्टिग्लिट्ज एंड वॉल्श एज द ब्रांच ऑफ economics that looks at the behavior of economy as a whole, in particular the behavior of such aggregate behavior as the overall rate of unemployment, inflation, economic growth and balance of trade, along with this behavior of general level of prices, inflation, interest and exchange rates, etc. So, ye macroeconomics ki baat hai. To unka ek table bana diya difference karne ke liye, ye question aata bhi hai, what is the difference between microeconomics and macroeconomics. Terms micro Greek से आता है small से, macro Greek का है large. Market से relate करता है economy aggregate. Focus behavior of individual consumer household के ऊपर है, government policy के ऊपर focus होता है. क्या इसके अंदर मामला बनते हैं, price क्या रखेंगे, price increase होगी, fall होगी, क्या ये होगा, price increase के supply के ऊपर क्या डिमांड के ऊपर क्या, एवरेज डिमांड इज इनकम प्राइस, इनकम का लेकिन डिमांड के ऊपर क्या, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बातें हैं। और मैक्रो में इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट से क्या फर्क पड़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है कम होती है उससे क्या इकोनॉमी के ऊपर असर होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, ये ओवरऑल एग्रीगेट लेवल के क्वेश्चन है, बड़े लेवल के, बड़े पैमाने के क्वेश्चन। क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो दोनों का, और इम्पोर्टेंस उसको भी पूछा जा चुका है। अच्छा जी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज प्रूव टू बी ग्रेट हेल्प इन द एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लिमिटेड स्केल्स, इट हेल्प्स टू गेट एलोकेटेड रिसोर्सेज अमंग द कंपीटिंग एंड इन अ वे दैट प्रमोट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इंश्योर ऑल राउंड ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ना कि अगर हमें पता होगा कि ना इंडिविजुअल की जरूरत क्या है तो ही हम उसकी जरूरत को पूरा कर सकेंगे। अगर हमें इंडिविजुअल की जरूरत का ही नहीं पता तो हम उसकी जरूरत को पूरा कर नहीं सकेंगे। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की बिहेवियर की, इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल मार्केट की, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड की, इंडिविजुअल कंज्यूमर की, उसकी स्टडी करते हैं, जिससे आपको अपने रिसोर्सेस एलोकेट करने में मदद मिल जाती है कि यार ये चीज हमें ज्यादा बेहतर है करने के लिए। और फिर ये मार्केट को डिस्कस करती है किस तरीके के हिसाब से काम होता है,
डिमांड सप्लाई की बातें करती है, प्राइसेस कैसे डिटरमिन होती है, बेसिक सिंपल इकोनॉमिक मॉडल्स इंपॉर्टेंट पार्ट है दी रियल वर्ल्ड फिनोमेना। तो जैसे हमने बेसिक सिंपल इकोनॉमिक मॉडल बनाए कि डिमांड कम हो गई बढ़ गई उससे फर्क पड़ना अदर फैक्टर्स, तो उससे अंडरस्टैंडिंग आपकी बन सकती है रियल वर्ल्ड की। लिमिटेशन क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की समझ आ गई इंपॉर्टेंस, अब लिमिटेशन क्या है जी, इंपॉर्टेंस समझ आई। अब लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ना ये एक ओवरऑल पिक्चर के हवाले से करेक्ट डिसीजन नहीं देता। अब इसके अंदर मामला क्या, क्या बात कह रहे हैं, अगर आप हाउस होल्ड के अंदर चार लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल फादर मदर ब्रदर सिस्टर, चार लोग हैं, अगर आपने इंडिविजुअल ब्रदर फॉर एग्जाम्पल भाई की जो जरूरियात है उसको आपने स्टडी किया कि उसको स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है, उसको बाइक चाहिए होती है, तो उसकी बेस के ऊपर आप बाकी तीनों लोगों को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उनकी जरूरत, कर सकते नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। तो वहां पे यही बात कह रहे हैं कि जरा ये जनरल प्रोवाइड ए क्लियर आइडिया इन रिलेशन टू दी ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ दी होल इकोनॉमी। आप एक इंडस्ट्री को, एक मार्केट को जब आप स्टडी करते हैं उससे उसमें अगर वेरिएशन हो रही है तो आप बाकी सारी मार्केट्स के ऊपर वही मामला नहीं पोज कर सकते। जरूरी नहीं है कि एक मार्केट में फॉर एग्जांपल इस दफा क्रॉप अच्छी नहीं हुई, वीट शॉर्टेज हो गई है, तो आप ये उससे ये आहस नहीं कर सकते, ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि इस साल इकोनॉमी में हर क्रॉप की शॉर्टेज होगी। क्यों भाई, हो सकता है कि कपास की फसल अच्छी हुई हो, तो हर इंडिविजुअल की डिस्कशन इंडिविजुअल के साथ होगी, उसकी बेस के ऊपर आप एग्रीगेट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये यहां पे ये बात कर रहे हैं, ये जी पॉइंट यूनियन सेइंग मे बी गुड, फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल सेविंग्स, हर इंडिविजुअल जो बचत करता है वो अच्छी बात है, लेकिन अगर सभी लोगों ने बचत करनी शुरू कर दी तो क्या होगा, इकोनॉमी में खर्चा नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा, इकोनॉमी बेहतर अंदाज में काम नहीं कर सकेगी, इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे यही बात की है कि माइक्रो के अंदर हम शायद इंडिविजुअल्स की सेविंग्स से देख के कह रहे होंगे यार शायद सफा मुझे मेरे तनाव थी 1,00,000 रुपया, उसमें से सिर्फ 50,000 खर्च हुआ, 50,000 मैं सेविंग कर ली, वाह जबरदस्त। लेकिन अगर सब लोग अपनी 50% तनखाएं सेव करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी के अंदर खर्चा कम हो जाएगा, खर्चा कम होगा, इकोनॉमी की रफ्तार स्लो हो जाएगी। अच्छा जी, और माइक्रो इकोनॉमिक रिज्यूम फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट को रिज्यूम करती है कि आपके रिसोर्सेस डिमांड सप्लाई यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट रिज्यूम कर रही है, कर रहे हैं जी के ऐसा नहीं है कि कोई चीज रह गई है, हर एक रिसोर्स आपका फुली यूटिलाइज है, तो वो एक अनरीजनेबल असम्पशन है। टीम्स के अंदर जी के एम्प्लॉयमेंट रिज्यूम आर डिफिकल्टीज अवे, कि ये आप बात करेंगे तो समझेंगे कि आपने अपनी जो मुश्किल है वो है ही नहीं, उनकी तरफ से आंखें आपने बंद कर दी है, कबूतर वाला हिसाब किया। ठीक है जी, लिमिटेशन भी समझ आ गई कि एक माइक्रो लेवल को पढ़ के आप एग्रीगेट के ऊपर उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और माइक्रो के अंदर जो एक बेहतर नजर आ रही चीज वो एग्रीगेट के अंदर हो सकता है बेहतर नजर ना आ रही है। सब लोग सेविंग करना शुरू करते हैं तो एग्रीगेट के अंदर बेहतरी नहीं होगी, और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट कंज्यूम की जाती है वो कबूतर की आंखें बंद करने वाली बात है, वो एक्चुअल पॉसिबल नहीं है। और स्कोप ऑफ मैक्रो, मैक्रो का स्कोप एग्रीगेट का है,
फुल इंप्लॉयमेंट चलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ चलता है और प्राइस स्टेबिलिटी चलता है. तीन इसके मामला में मेजर गोल्स हैं. फिर क्या कहते हैं, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ. तो जब वो गोल आपने बता दिए कि ये गोल है ना, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, ये तीन मेजर गोल आपने बताए मैक्रो इकोनॉमिक्स. फिर आप उनके रास्ते में जो हर्डल्स हैं उनको आप दूर करने के लिए मामला को देखेंगे कि प्राइस स्टेबल रहे, एम्प्लॉयमेंट हाई रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती रहे, तो इस तरह की पॉलिसीज रिवाइज करेंगे, पॉलिसीज डिफाइन करेंगे. लिमिटेशन क्या है, वो लिमिटेशन इसके अंदर कहते हैं एग्रीगेट बिहेवियर इज फोकल पॉइंट, बट व्हाट इज ट्रू फॉर इकोनॉमी माइट नॉट बी ट्रू फॉर द इंडिविजुअल. जो हमने पहले बात की, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम देखते हैं फिर वही घर वाली एग्जाम्पल. हमने कहा जनाब इसका करते हैं कि घर की हेल्थ की बेहतर बनाने के लिए ये किया जाएगा कि जनाब सब लोग रोजाना का सिर्फ 100 ग्राम शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं. सब लोगों के लिए आपने एक पॉलिसी बना दी, एग्रीगेट के लिए आपने एक पॉलिसी बनाई कि सब लोग 100 ग्राम शुगर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो जो पॉलिसी आपने एग्रीगेट लेवल पे बनाई, जरूरी नहीं कि वो सबके लिए बेहतर पॉलिसी हो. जो अभी बच्चा है, ग्रोइंग एज के अंदर है, उसकी शायद जो शुगर की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा है, और जो बूढ़ा है शायद जिसको शुगर की बीमारी है उसकी शुगर की रिक्वायरमेंट और होगी. तो आप एग्रीगेट बेस के ऊपर कोई पॉलिसी बना के उसको हर इंडिविजुअल के लिए बेहतरीन नहीं कर जान सकते, ये एक लिमिटेशन है. फिर दूसरी लिमिटेशन क्या है, तो दूसरी लिमिटेशन ये है कि आप इसमें होमोजीनियस करते हैं हर फैक्टर को, एग्रीगेट होमोजीनियस, आप इंटरनल कंपोजिशन को छोड़ देते हैं. होमोजीनियस का मतलब क्या है कि आप एवरेज की बात करते हैं. इस साल हमारी सैलरीज, फॉर एग्जाम्पल सैलरीज कितने, एग्जाम्पल दी सैलरीज कॉन्स्टेंट रही, पिछले साल भी हमारी सैलरीज जितनी थी उतनी ही इस साल रही है, सैलरीज कॉन्स्टेंट रही. वो कहता भाई ये तो आपने बात कही ओवरऑल एग्रीगेट के ऊपर, और एग्रीगेट आपने कहां से बनाया, मुख्तलिफ लोगों की जो सैलरीज थी उसको बेस बना के. जरूरी नहीं है कि तमाम लोगों की सैलरीज कॉन्स्टेंट रही हो. एक इंडिविजुअल की अगर सैलरी बढ़ी है और दूसरे की कम हो गई है तो नेट एवरेज आपको सेम रिजल्ट दे रहा होगा, ऐसे ही है ना. तो इंडिविजुअल तो फर्क आया, लेकिन आपने जब आपने ओवरऑल बात कही तो आपने कहा कि इस दफा सैलरीज कॉन्स्टेंट रही है जनाब, पिछले साल जितनी ही रही है. तो भाई आपकी तो डिस्कशन ओवरऑल एवरेज बेस के ऊपर, एग्रीगेट बेस के ऊपर डिस्कशन आपने कर दी. लेकिन जब आप इंडिविजुअल्स के ऊपर, स्मॉल लेवल के ऊपर आप जब जाते हो, उसकी कंपोजिशन के ऊपर आप जब देखते हो तो उसमें तो वेरिएशन नजर आती है. तो आपका जो डिस्कशन है, जो आपका बिहेवियर है, जो आपका आपका एनालिसिस है ऑन एग्रीगेट, दैट माइट नॉट बी ट्रू फॉर ऑल द थिंग्स, क्योंकि आप यहां पे एवरेज कर को डिस्कस कर रहे हो, यहां पे एग्रीगेट को डिस्कस कर रहे हो. एवरेज डज नॉट मीन कि इस साल इन्फ्लेशन 10% बढ़ी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक चीज की प्राइस 10% इसमें इजाफा हो गया. किसी की प्राइस में हो सकता है 20% इजाफा हुआ हो, किसी की प्राइस में 5% हो, किसी की प्राइस में हो सकता है रिडक्शन आई हुई हो पिछले साल से. लेकिन आप जब 10% इन्फ्लेशन कहते हो, इन्फ्लेशन रेट इज 10%, तो उसको आप एवरेज इन्फ्लेशन
एवरेज प्राइस में इंक्रीज की बात कर रहे होते हो एग्रीगेट के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. क्लियर आई समझ जी? इंटरडिपेंडेंस है ना, आपको दोनों को समझना पड़ेगा. जो हमने बातें कही हमें पता है कि अगर इंडिविजुअल को समझते हैं तो एग्रीगेट नहीं समझ आ सकता, अगर एग्रीगेट की बात करते हैं तो इंडिविजुअल नहीं समझ आ सकता. तो दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों अलग भी नहीं है और दोनों सेम भी नहीं है, दोनों इंटरलिंक्ड है. ऐसा भी नहीं है कि एग्रीगेट को समझेंगे तो इंडिविजुअल की समझ आ जाएगी और इंडिविजुअल को समझेंगे तो एग्रीगेट की समझ आ जाएगी. आपको दोनों को समझना पड़ेगा, फिर आप कहीं पे कंप्लीट पिक्चर देकर आ सकेंगे. ऐसे ही है जी, बस आपको मंजूर कर रहे हैं. तो हमने जो बात कही थी उन दोनों को, ये हमारी समझ जरूरी है, दोनों क्लास दोनों को हमें देखना पड़ेगा. लेट्स कंक्लूड हियर, लेट्स मीट टुमारो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.